अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। फाइनली मेरी टीम ने मुझे कहा कि मैं अपना कमरा जो है वो पूरे पाकिस्तान को दिखाऊं। बेसिक मकसद इस वीडियो का ये है कि इफ़ यू वर्क हार्ड लाइक मी, मैं पूरी दुनिया के लिए काम करती हूँ, मैं कुरान लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, बट आई कीप माई सेल्फ कम्फर्टेबल टू। और एक बात आपने याद रखनी है, जिस जगह पर आप खुश नहीं होते वहाँ पर आप अपने प्यारों को खुश नहीं रख सकते। आई विल शो यू हाउ, छोटे छोटे आइडिया बन रहे। दिस इज़ माई रूम, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी छोटी सी जन्नत है, छोटा सा मेरा कमरा है। और पहले आप इसकी लाइटिंग देख लें। मुझे ना सेंटेड कैंडल्स का बहुत शौक है, जैसे एक ये है, एक मेरे सरहाने में पड़ी है। अब ये वाली जो कैंडल है ये मुझे दी है मेरी कज़न भाभी ने, मैं लंदन से लेकर आई थी ये। एंड आई रियली लाइक बबल गम फ्लेवर, आई विश यू कुड स्मेल, वाई डू आई लव सेंटेड कैंडल्स सो मच। अच्छा, दूसरा मुझे रात को टॉफियाँ खाने का बहुत शौक है। देर आर सम सीक्रेट्स जो आज आपको पता चलेंगे, दैट आई लव टू हैव कैंडीज, मिंट कैंडीज स्पेशली। एंड उसके अलावा तो मेरी बेड साइड टेबल के ऊपर कुछ नहीं है। ये एक लाइट है, ये सेंसर लाइट है। समटाइम्स लाइट्स का मैंने इसलिए रखी हुई है कि मैं बिल्कुल डार्क अंधेरे में सोती हूँ। दिस टेडी बेयर ऑफ माइन इज माई गुड फ्रेंड हियर। और ये जो काउच है एंड दिस ब्लैंकेट, आई जस्ट लाई देयर एंड आई हैव दैट ब्लैंकेट। दिस इज व्हेन आई रियली डोंट वांट टू हिट द बेड। जब मैंने बेड पर नहीं जाना होता तो मैं यहाँ पर, ओके लेट मी शो यू हाउ आई डू दैट, आई जस्ट सिट हियर कंफर्टेबली एंड आई हैव माई ब्लैंकेट एंड आई थिंक। यहाँ बैठ के मैं सिर्फ सोचती हूँ। एंड वन मोर थिंग, आई लाइक कुकीज, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे ला के दिए हैं, बिस्किट्स, बादाम। जब भूख लगे बादाम तो बहुत अच्छे। अच्छा, मैं आपको अपनी एक सीक्रेट कबर्ड भी दिखाती हूँ। आप कहेंगे कितनी मोटी खाती है, ये सारी चीज़ें खाने की भरी हुई है मैंने इसके अंदर। और इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको एक भी इजरायली प्रोडक्ट नहीं नजर आएगी। जब मैं, मुझे ना डाइट को की बहुत एडिक्शन थी, जो मेरे फॉलोअर्स हैं शुरू से वो देखते रहते होंगे, बट आई लेफ्ट डाइट को कर मैंने ये जो है ना लोकल ब्रांड शुरू कर दी। इट्स वेरी हार्ड टू यू नो लाइक द टेस्ट, बट आई एम गेटिंग वेल। खाने पीने भी हैं। और नाउ आई विल शो यू दिस साइड। बाय द वे, मैं इस बेड के ऊपर हमेशा कभी उधर पड़ी होती हूँ, कभी इधर पड़ी होती हूँ। आई एम ऑलवेज रोलिंग ऑन माई बेड। और ये वाली जो मेरी साइड है बेड की, इसके ऊपर ये जो है, दिस इज ग्लिसरीन, ग्लिसरीन विद अर्क गुलाबी। अब आपने देखा ये मेरे हाथ जल गए हैं, ये मेहंदी का जो निशान नज़र आ रहा है ना, जो अर्क आप लोग लगाते हैं ना, हम बेचारे कश्मीरी हमारे हाथ बड़े सेंसिटिव होते हैं। और यहाँ पर अब आपको फ्लोर कुशन नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ व्हेन आई रियली हैव टू हाइड। हालांकि नोबडी कम्स टू माई रूम, लेकिन व्हेन आई हैव टू हाइड, I'll sit here like that and nobody will know I'm here. I don't know, I just like, मुझे अच्छा लगता है छोटी छोटी small small places जो है उसमें hide outs बना। And this is my नमाज की चौकी, which is totally out of fashion as people say, लेकिन मुझे नमाज की चौकी बहुत पसंद है। और दूसरी बात यह कि मेरे बिल्कुल साइज की है। मैंने एक वसीयत की थी कि मेरा जनाजा जो है वो इस नमाज की चौकी के ऊपर उठाया जाए, और इसकी वजह यह है कि मैं इसके ऊपर कुरान पढ़ाती हूँ, मैं अल्लाह से बहुत सारी बातें करती हूँ, एंड द बुक्स दैट आई रीड आर ऑफ कोर्स कुरान, तफीमुल कुरान। दिस इज़ ओनली विद द ट्रांसलेशन। दिस इज़ मौदूदी की तफसीर। इस पे बहुत सारे इश्यूज हैं मुझे, लेकिन हर इंसान को अपने तरीके से करनी चाहिए। दिस इज़ द बुक पार्ट वन एंड पार्ट टू। This is also, it explains Quran. इसके अलावा what else I have to show? Oh yes, मेरी miniature collection मैंने आपको दिखाई नहीं। These are all my miniature collections. छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। जैसे just look at this small shoe. ये sandal है छोटा सा, कहीं नज़र भी आएगा कि नहीं आएगा। मुझे छोटी चीज़ों का इतना शौक है, I love small things. अभी जो मैंने लेटेस्ट अपनी चीज ऑर्डर किया ना, ये देखें, दिस इज रियली, इट्स वेरी हैवी बाय द वे, बड़ा हैवी है ये। मेटल का पूरा सेट है, सचिंग सेट। आई लाइक दैट चीज, मुझे इसका भी बड़ा अच्छा लगता है, छोटा सा है, इट्स ऑलवेज देयर। ओके, और मेरे कमरे में आपको क्या चीज बताऊं, अलमारी भी दिखा दी है। ये देखें, ये मेरे बाहर जाने के स्कार्फ है, व्हेन आई हैव टू गो आउट आई वेयर दीस स्कार्फ्स। हाँ, अनदर थिंग, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मेरे इस कमरे में प्रॉपर सिनेमा भी है, बट आई विल शो यू दैट लेटर, लेट मी शो यू इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी आर्ट की जगह कहाँ पर है। ये जो रास्ता है ये सिर्फ मेरे कमरे से जाता है और ये रास्ता कहीं पर भी नहीं निकलता।
अभी बारिश हो रही है एंड आई कैन हैव फन इन दिस रेन ऑल बाय माई सेल्फ, नो बडी इज देयर, और ये मैंने बनाया ही इसलिए है. आई कैन हैव फन इन द रेन, समटाइम्स आई गो देयर, मैं इधर चली जाती हूँ, और जो मैं अपने कपड़े धोती हूँ मैं यहाँ पर अलग से खुश्क करती हूँ. आई ड्राई देम, दिस इज माई एरिया. अब ये देखिए जो गीजर है ये भी सिर्फ मेरे कमरे का, मेरे वॉशरूम का गीजर है. आई डोंट इवन शेयर माई गीजर, माई वाई फाई, माई एवरीथिंग इज सो सेपरेट. तो मेरा एक गुलाब निकला है और ये देखिए छोटी छोटी बर्ड्स हैं, तो ये बड़े अच्छे अच्छे से फूल निकल रहे हैं. ये भी हैं, ये भी हैं. तो दिस इज ऑल द ग्रीनरी जो मेरे कमरे से मुझे खुशी देती है. एंड नाउ आई शो यू माई आर्ट रूम. दिस इज माई आर्ट रूम एंड माई पीस रूम एज वेल. Seriously, I feel so good. Alhamdulillah. मैंने हर जगह अपनी इसलिए खास बनाई है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म की अकेली रहने वाली इंसान हूँ, और मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है मैं आप सबके साथ जो है अपना ये सारा सीक्रेट डन शेयर कर रही हूँ. बट आई रियली इंजॉय. समटाइम्स व्हेन आई कम देयर तो मैंने सिर्फ बटरफ्लाई जलाई होती है, मैं सारी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ. And moreover, when I feel sad for Palestinians, ये मैं बना रही हूँ अभी कम्प्लीट नहीं हुई है, इसके अभी पीछे मैंने, दिस इज हाउ आई पेंट, ये कलर्स मैं यूज़ करती हूँ. और आई जस्ट वॉन्ट टू शो द पेन वो माँ और बच्ची के जो दिल, और ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये कहानी है, और इस तरह की हज़ारों लाखों कहानियाँ हमें वहाँ पर सुनने को मिलती हैं. मेरे कमरे में जूते लेकर आना बिल्कुल मना है, मैं बिल्कुल नहीं करती क्योंकि ये मेरी एक्सरसाइज एरिया एंड एवरीथिंग. और मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, जैसे अभी मुझे ये एक्सपो से मिला है, ये एक्सपो हो रही है प्रॉपर्टी एक्सपो, दे गेव मी दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट. आई गेट सो मेनी गिफ्ट, आई एम सो लकी. एंड यू नो व्हाट, आई जस्ट लव गिफ्ट. मुझे गिफ्ट ना मिले ना कहीं से तो मैं वैसे ही उदास हो जाती हूँ. नाउ आई शो यू द स्पेशल थिंग दैट आई गॉट इन माई रूम. दिस इज माई सिनेमा. हम लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है? फलाना रिमोट गुम हो गया, फलाना रिमोट गुम हो गया. आई शो यू. एक तो मेरी चप्पलें गुम नहीं होती, ये मेरे चप्पलों का स्टैंड है. और रिमोट्स का ये देखें, ये एसी का रिमोट है, ये पंखे का रिमोट है, ये डेक का रिमोट है, ये उसका रिमोट है. सिर्फ टीवी का रिमोट जो है वो प्रैक्टिकली मेरे पास होता है, अदरवाइज सारे रिमोट्स यहाँ पे सेफ है. आई एम सच एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, यू हैव नो आइडिया.